छत्तीसगढ़ में मानसून के दौरान राजनीतिक बयानबाजी जमकर बरस रही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने जल भराव को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पागलपन की डगर पर खड़ी है, वे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले 15 साल में कांग्रेस के मेयर रहे जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ना तो ड्रेनेज सिस्टम बना न कुछ और। वहीं कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। देखो, कांग्रेस पार्टी एक पागलपन के कगार पर खड़ी हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं पहले अपनी बात को समझ लें कि वो जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि एक मजाक कर रहे हैं इस शहर के साथ में। 15 साल से तो मेयर कौन सा है, कौन सी पार्टी का मेयर है? कांग्रेस पार्टी का मेयर है। स्मार्ट सिटी के अंदर में ये 5 साल से अधिक हो गया, कौन मेयर रहा? कांग्रेस पार्टी का। पानी का गिरना और जगह जगह पानी के भराव को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, नगर निगम काम कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रही है। अब जिन क्षेत्रों में पानी अधिक भरता है वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी है, पानी जाने का कैसे अरेंजमेंट होगा, उन सभी चीज़ों को लेकर हम और अधिकारी निरंतर घूम रहे हैं।